सर पता इसमें ना हमारा मतलब जो एशिया के प्लेयर होते हैं ना उसमें उनका नुकसान होता है, क्योंकि केनियंस लोग होते हैं वो कतर से मतलब कतर उनको स्पॉन्सर करती है, अपनी कंट्री से खिलाती है, वो अपने खिलाड़ियों को तैयार करे ना, दूसरे खिलाड़ियों को खरीद खरीद के, दूसरे खिलाड़ियों को मतलब खरीद के वो अपने देश अपनी कंट्री के मेडल बढ़ाती है। तो ये भी तो सर ने भी सही बोला है, ऑब्जेक्शन भी सही उठाया कि वो अपने जो जितना पैसा वो दूसरे कंट्री वालों बच्चों को देते हैं मेडल जीतने के लिए, वो इतना पैसा अपने बच्चों पे अपने देश के बच्चों पे खर्चा करे ना, वो क्यों अच्छा नहीं करेंगे। तो इस चीजों से एशिया में जो बच्चे चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो चाइना का हो जापान का कोई भी है मतलब सबको ये चीज होती है कि ये हम भी ये सोच रहे थे, मैंने भी खुद में ये चीज माइंड की थी कि यार वो ये केनियंस है ये और ये कजाकिस्तान से आ रही है, केनियन तो हमारे माइंड में क्या केनियन बहुत स्ट्रांग होते हैं। मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि मैं स्ट्रांग लड़की को बीट करके आगे आ रही हूँ, वो भी केनियंस किया, वो जो लड़की कजाकिस्तान से पार्टिसिपेट किया वो केनिया की है, वो कजाकिस्तान से उसको स्पॉन्सर है। स्ट्रगल सर ये है कि मैं बहुत एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मतलब मिडिल फैमिली का है कि मेरे पापा पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हैं, एक पेट्रोल पंप पे बंदा कितना कमा सकता है, 10,000, 8,000, 7,000। उससे पहले मैं जब मैंने गेम शुरू किया था तो मेरे पापा ये मेरे को ना भागने का शौक बहुत था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि स्पोर्ट्स भी कोई चीज होती है, सिर्फ भागना मुझे ये नहीं पता था, ओलंपिक कुछ होता है, एशियन गेम कुछ होते, कुछ नहीं पता था। बस ये था कि लड़कियां जाती थी सुबह सुबह प्रैक्टिस के लिए पुलिस का फिजिकल मारने के लिए, मैं बोलती थी कि मुझे भी लेके चलो। पापा ने देखा कि मेरी बेटी तो बहुत इंटरेस्ट है मतलब भागने में, उन्होंने मुझे फिर एक बोला चलो ठीक है, स्कूल में कोई ऐसे छोटे मोटे खेल होते हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट लेने लगी, मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया। मेरी फैमिली सोचा कि भाई क्योंकि स्कूल को कोई मीट था तो उन्होंने मुझे भागते हुए देखा था, तो मेरे खुद प्रिंसिपल बोल रहे थे कि अच्छा कर सकती है। पापा ने भी सोचा कि मेरे पापा बहुत इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में, तो उन्होंने वो सोचा कि मेरी बेटी अच्छा कर सकती है। एक गांव के कोच है हमारा रोशनलाल मलिक, वो मेरे खुद के पर्सनल कोच रहे हैं, तो उन्होंने उनके पास लेके गए कि सर मेरी बेटी को ट्रेनिंग करवाओ। वो गांव का माहौल आपको पता ही होगा, बहुत मतलब कि अकेली लड़की है ऐसे कैसे करवाएंगे ट्रेनिंग, मतलब छोटी छोटी चीजें बहुत बोलने लगते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं करवाऊंगा, लेकिन आप दोनों टाइम इसके साथ आओगे क्योंकि कोई कुछ बोले ना। तो पापा मेरे खुद सुबह सुबह ट्रेनिंग करवाते, फिर पेट्रोल पंप पे नौकरी करते, शाम को जल्दी आते, फिर मेरी ट्रेनिंग करवाते सर के साथ जाके। मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट किया है सर मुझे, मतलब मेरे पापा का मुझे अपने लिए इतनी खुशी नहीं है कि मैंने मेडल जीता है, मुझे खुशी इस चीज की है कि मेरे पापा का सपना था कि वो आज मैंने पूरा कर दिया, और मुझे पता वो सोएंगे भी नहीं आज पता नहीं आज बैठ कर रो ही रहे होंगे, अभी तक रो रहे होंगे, बस उनका सपना था। मुझे अपने लिए इतनी खुशी नहीं है, पापा के लिए ज्यादा खुशी है, मम्मी के लिए ज्यादा खुशी है। मेरी मम्मी ने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया टेंशन में। और सर मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि हमारे AFI हैं जो सभी खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। सर ने भी मतलब हमारे जो AFI में जितने भी हैं सर, उन्होंने बहुत ज्यादा खिलाड़ी को वो सपोर्ट करते हैं, वो हर खिलाड़ी की छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी डिमांडें पूरी करते हैं। तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ AFI साई को जो हमें खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट कर रही है। थैंक यू।